रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शमिता शादी की पहली रात फूलों से सजे बेड पर घूंघट की सहमी सी बैठी होती है, तभी उसका पति नितिन कमरे में आता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद वो शमिता के पास जाकर उसका घूंघट उठाने लगता है। तभी शमिता कहती है, हाय दैया, ये क्या कर रहे हैं जी? ये पर्दा हटाकर अपनी भोली भाली प्यारी सी बीवी का मुखड़ा देख रहा हूँ। नहीं जी, ये घूंघट रहने दीजिए ना, आप मुझे प्यार से देखेंगे तो मुझे शर्म आने लगेगी। अरे उसी शर्म को दूर करने के लिए तो ये पर्दा हटाना जरूरी है, चलो अब मुझे घूंघट उठाने भी दो। इतना कहकर वो उसका घूंघट हटाता है और उसे देखकर उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है, जिसके बाद वो बोलता है, शमिता तुम कितनी सुंदर हो, बुरी शादी में मैं तुम्हारे घूंघट को देखकर बस यही सोच रहा था कि कब मंत्र फेरे रस्म खत्म हो और कब मैं तुम्हारा चेहरा देख पाऊँ। हाय दैया, आप मुझे इतना पसंद करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अभी तुमने मेरा प्यार देखा ही कहाँ है, जरा मेरे पास तो आओ। इतना कहकर वो उसके करीब जाने लगता है, तभी शमिता शर्मा कर उसे धक्का देकर दूर कर देती है। तभी नितिन बोलता है, अरे जब घूंघट हट गया है तो ये शर्म का पर्दा भी हटा दो। अरे शर्म तो औरत का गहना होता है, उसे मैं कैसे हटा सकती हूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। इसके शर्म की ऐसी की तैसी, अरे इसे भी सारी शर्म अभी ही दिखानी है, पहले ही रस्मों रिवाजों में आधी से ज्यादा रात चली गई, बाकी ये शर्मा शर्मा कर बिता देगी। इतना कहकर वो उसके करीब जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है और यूं ही समय बीतता है और शमिता ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। शमिता गांव में रहने वाली लड़की थी और उसका मिजाज बहुत ही शर्मीला था और शादी के बाद उसकी शर्म में तो जैसे और भी इजाफा हो गया था और इसी के साथ साथ वो अपने घर पर भी पल्लू लिए घूमा करती थी। एक दिन सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी उसे सर पर पल्लू किए देखकर उसकी सास हेमा बोलती है, अरे बहू, तूने साड़ी के पल्लू को सर से चिपका लिया है क्या, जरा सा भी सरकने नहीं देती। सासू माँ, ये तो कुछ भी नहीं है, गांव में तो नई नवेली दुल्हन घूंघट करके रहती है हमेशा। अरे बहू, ये गांव नहीं शहर है, यहाँ शर्माना नहीं चलता, और वैसे भी घर में मैं और नितिन ही तो हैं, हमसे भला क्या शर्माना। वही तो माँ, अब तो गांव की लड़कियाँ भी इतना नहीं शर्माती होंगी जितना ये शर्माती है। अरे कोई नहीं, नई दुल्हन का शर्माना भी सही रहता है, और वैसे भी धीरे धीरे इसकी हिचकिचाहट कम हो जाएगी। अरे शर्म क्या सिलेंडर में रखी गैस है जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, शर्माना तो लड़कियों की अदा होती है, और अगर लड़कियां शर्माएंगी नहीं तो क्या होगा, शर्मीलापन तो हर लड़की में होना चाहिए। ऐसे ही एक दिन उनके घर नितिन का कोई मुंह बोला बड़ा भाई आता है, जिसे देखकर शमिता शर्मा कर अपने पल्लू से घूंघट कर लेती है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे मंदेश तू आजा बेटा, अंदर आजा। प्रणाम काकी, कैसी हो? अरे मैं तो भली चंगी हूँ, बैठ जा आराम से। अरे बहू, ओ बहू, जरा चाय पानी लेकर तो आ। उसकी आवाज सुनकर शमिता फटाफट चाय बनाकर एक ट्रे में चाय और पानी लेकर बाहर आती है और अपनी सास को देते हुए बोलती है, ये लीजिए सासू माँ। अरे पगली, मुझे नहीं अपने जेठ को दे। हाय दिया ना माँ जी, मुझे शर्म आती है, भला मैं इन्हें चाय कैसे दे सकती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, आपको संकोच हो रहा है तो मैं खुद ही ले लेता हूँ। इतना कहकर वो चाय लेने के लिए उसके करीब आता है, तभी शमिता झट से चाय की ट्रे को टेबल पर रख कर वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है और उसे ऐसे भागता देख कर मंदेश और हेमा हैरान हो जाते हैं। तभी हेमा बोलती है, वो बहू थोड़ी शर्मीली है ना, इसलिए शर्मा कर अंदर चली गई। तू बैठना, चाय पी। हाँ शायद भाभी कुछ ज्यादा ही शर्मीली हैं। इतना कहकर वो चाय पीने लगता है और ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मोहल्ले की एक बुढ़िया उनके घर आकर बोलती है, हेमा। अरे यो हेमा, घर में है के नहीं? अरे जिजी आप आइए ना, कितने दिनों बाद आई है मेरे घर, रास्ता भूल गई थी क्या? अरे ना समझ, कैसी बातें कर रही है, बोल तो ऐसे रही है जैसे तू मेरा हाल चाल पूछने रोज ही आती है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी शर्मीली शमिता वहाँ आती है और उस बुढ़िया को देखकर
दूर से ही अपना पल्लू सर पर रख लेती है। उसकी ये हरकत देखकर बुढ़िया मुंह बनाते हुए बोलती है, तो ये है तेरी बहुरिया। अरे बहुरिया, मुझे देखकर मुंह क्यों छुपा लिया? कहीं घूंघट करके अंदर ही अंदर कुछ ढूंस तो नहीं रही? ना जीजी, वो क्या है ना, ये शर्माती बहुत है, तो किसी भी अनजान को देखकर पल्लू कर लेती है बस। अरे तो जनानियों के सामने कैसा शर्माना। अरे ओ नितिन की लुगाई, जितना तू इस जमाने में शर्मा रही है, उतना तो हम अपने जमाने में भी नहीं शर्माते थे। हाय दया, कैसी बात करती हो अम्मा जी। अरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, शर्म औरत का गहना होता है, और अनजान लोगों के सामने तो मुझे और भी शर्म आती है। आप लोग बातें कीजिए, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है, और रात को जब सब खाना खाकर सो जाते हैं, तब शमिता किचन का काम निपटा कर कमरे में जाती है, जहाँ उसे कमरे में अंधेरा मिलता है और नितिन कैंडल लिए वहाँ खड़ा होता है। तभी शमिता बोलती है, अरे मोरी मैया, ये कमरे के बत्ती को क्या हो गया? सुनिए जी, आप मोमबत्ती लिए क्यों खड़े हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ ये कमरा हमारे प्यार की रोशनी से रोशन हो, ना कि बत्ती से। हाय दैया, आप तो फिर से रोमांटिक हो गए। उसके इतना कहते ही नितिन धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। तभी शमिता दोनों हाथों से अपने मुंह को कवर करके शर्म से लाल होकर पीछे हो जाती है। अरे क्या फायदा, तुम इतना शर्माती हो कि तुम्हारा शर्माना देखकर तो मेरे रोमांस के कीड़े बेहोश हो जाते हैं। अब मैं इतनी शर्मीली हूँ, मैं क्या करूँ? तुम डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। अरे तुम तो बिल्कुल छुमी के फूल की तरह शर्माती हो, यहाँ टच नहीं किया वहाँ तुम्हारा शर्माना चालू हो जाता है। मतलब इतना शर्मीला कौन होता है? हाय राम, मैं तो भूल ही गई। कमरे की बंद बत्ती देखकर मुझे याद आया कि मैं किचन की बत्ती बंद करना तो भूल ही गई। सुनिए जी, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो किचन की ओर हो लेती है। हाय मेरी शर्मीली, मेरे रोमांस की बत्ती गुल करके चली गई। ऐसे ही समय बीतता है, और एक दिन रात के खाने के समय हेमा बोलती है, नितिन वो सामने वाली उर्वशी आंटी है ना, वो आई थी अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने, तो दो दिन बाद हम सबको वहाँ जाना है। ठीक है बहू, खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाइयो, मैं तुझे कुछ नए गहने दे दूंगी, उन्हीं में से पहनियो तू शादी में। माँ जी, मैं क्या करूँगी शादी में जाकर, और वैसे भी वहाँ बहुत भीड़ होगी, आप दोनों ही चले जाइए। क्यों, अब शादी में जाने से भी शर्मा रही हो क्या? अरे बहू, इसमें शर्माने जैसा क्या है? वैसे भी आज के जमाने में जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, इसलिए तू जरूर चलेगी हमारे साथ। दोनों के कहने पर शमिता शादी में जाने के लिए मान जाती है, और दो दिन बाद तीनों बन ठन कर शादी में जाने को तैयार हो जाते हैं। तभी नितिन देखता है कि शमिता ने साड़ी के पल्लू से घूंघट किया हुआ है। ये देखकर वो बोलता है, अरे शमिता, दो घर की दूरी पर तो शादी है, उसमें भी तुमने घूंघट कर लिया। जी देखिए, मैं शादी में जाऊंगी तो ऐसे ही जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। और शमिता ऐसे ही घूंघट किए दोनों के साथ शादी में पहुंचती है, जहां एक तरफ शादी की विधियां चल रही होती है, तो एक तरफ सब डीजे पर अपने पैर थिरका रहे होते हैं। तभी एक लड़की शमिता को खींच कर वहाँ ले जाती है, और सबके सामने डांस करने को कहती है, और फिर शमिता शर्मा कर मना करती है। लेकिन जैसे ही डीजे पर एक गाना बजता है, उसे सुनकर शमिता लाज शर्म छोड़कर अपना घूंघट उठाती है, और गाते हुए नाचने लगती है। घली आख्या में शाहीर बिंदी माथे पे लाई। शर्मीली शमिता के ठुमके देखकर शादी में सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और तभी मोहल्ले की बुढ़िया बोलती है, अरे नितिन, तेरी लुगाई तो शर्मीली से लचीली बनकर मटक रही है। लगता है जिसने करी शर्म उसके फूटे करम बोलने का ज्यादा ही असर हो गया बहू पर। चलो कोई नहीं, इसी बहाने मेरी बहू की सारी शर्म तो दूर हो गई। इतना कहकर सभी शमिता के साथ डीजे पर मटकना चालू कर देते हैं। ईशान अपने कमरे में सो रहा होता है कि तभी उसके कानों में अपनी बीवी सोनी की आवाज आती है, और वो उठकर उससे बोलता है, अरे यार, अब सुबह सुबह कौन सा भूत चढ़ गया तुम पर जो पूरे घर में भजन गा रही हो? अरे सुबह सुबह भजन नहीं गाऊं तो और क्या करूं? चार दिन पहले ही आपको बोला था कि मेरा छोटा और इकलौता भाई मोंटू आ रहा है हमसे मिलने। अरे वो आज 8 बजे ट्रेन से उतर जाएगा, और आप है कि आपकी आँख ही नहीं खुल रही। 7 बज गए हैं, कब जाएंगे उनको लेने?
अभी जा रहा हूँ, तुम बस अपना भजन बंद करो यार। इतना बोलकर ईशान बिना कोई देरी किए जल्दी से कपड़े बदलता है और मोंटू को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है, जहाँ वो मोंटू से मिलता है और उसकी मोटाई देखकर बोलता है, और कैसे हो साले साहब, वैसे देखने में तो तंदुरुस्त ही लग रहे हो। अब क्या ही बताऊं जीजा जी, बीच में मैं ठीक हो गया था, पर जब से मैं पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर गया हूं, तब से कमजोर हो गया हूं। अच्छा जी, अगर आपको कमजोर बोलेंगे तो हमें देखकर लोग बोलेंगे कि हम में तो जान ही नहीं है। क्या जीजा जी, आप ना मुझे हमेशा बातों में फंसा लेते हो, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, जल्दी से बाहर चलो और कुछ गर्मा गर्म खिला दो, पूरे 10 मिनट से मैंने कुछ नहीं खाया। ईशान बाहर जाकर उसको सबसे पहले 2 प्लेट छोले भटूरे खिलाता है और 1 प्लेट छोले चावल, जिसके खाने के बाद मोंटू अपने जीजा से बोलता है, रहने दो जीजा जी, इसका खाना अच्छा नहीं है और दीदी ने घर पर कुछ अच्छा बनाया होगा, मैं घर पर ही खा लूंगा। चलिए कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। वैसे साले, मेरा मतलब है साले साहब, आप कितने दिनों के लिए मेरा खून पीने आए हैं यहाँ? जीजा जी, मुझे पता है दीदी से ज्यादा आपको मुझसे प्यार है, बस इसीलिए मैं इस बार 2-3 महीने के लिए आ गया। साले आफत की पुड़िया, मैं तो चाहता हूँ कि तू अभी यहाँ से चला जाए, पर मोटा मेरा खून पी कर ही जाएगा। हे भगवान, अच्छा हुआ जो साली आधी घरवाली होती है, अगर साला आधा घरवाला होता ना तो मेरी तो वाट ही लग जाती। क्या हुआ जीजा जी, चलें? ईशान उसको अपनी बाइक पर बिठाकर घर ले आता है और घर जाते ही मोंटू अपनी बहन से खाना मांगता है, जिस पर उसकी बहन उससे बोलती है, हाय राम, मेरा भाई कितना पतला और कमजोर हो गया है, रुक मैं अभी तेरे लिए खाना लगाती हूँ, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया होगा ना? हाँ दीदी, तभी तो इतनी भूख लग रही है, और जीजू ने भी रास्ते में बस 2 प्लेट छोले भटूरे और थोड़े से चावल खिलाए थे, उसके बाद कुछ खाने को भी नहीं पूछा। अरे ये तो एक नंबर के कंजूस है, इनको इंसान थोड़े पैसा ही दिखता है बस। सोनी ईशान को भला बुरा सुनाने लगती है और बेचारा ईशान बिना कुछ बोले ही अपने कानों में रुई डालकर अपने कमरे में बैठ जाता है और सोनी अपने भाई को अपने हाथों से अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खाने के लिए देती है। खाना खाने के कुछ ही देर के बाद मोंटू अपने जीजा के पास जाता है और उनके पास जाकर लंबी लंबी छोड़ने लगता है। उसको अपने सामने ऐसे गैस छोड़ता हुआ देखकर ईशान कहता है, साले मतलब साले साहब, आपने अभी अभी खाना खाया है और खाना खाने के बाद तो ढकार मारते हैं और आप पाद। अरे जीजा जी, ये तो दीदी का प्यार था जो उनके खाने में देखा आपने, और ये मेरा प्यार है जो यहाँ से निकल रहा है। साला आफत बन गया है, पता नहीं कब जाएगा, एक ही दिन में जिंदगी नरक बना दी इसने तो मेरी, भगवान ऐसा सांड जैसा साला किसी को ना दे। ईशान ये सोचकर सोने की कोशिश करता है, मगर मोंटू उसके बगल में लेटकर उसके ऊपर पैर रखकर सोने लगता है, जिससे ईशान गुस्से में उसका पैर हटाकर उससे कहता है, क्या साले साहब, आप मेरे ऊपर क्यों सो रहे हो, मैंने आपके लिए दूसरा कमरा ठीक किया है, वो भी अपने हाथों से, आप उसमें जाकर सो सकते हैं। नहीं जीजा जी, मुझे तो आपके साथ आपके रूम में ही सोना है, जहाँ जीजा वहीं उनका साला मोंटू। पर यहाँ तो तुम्हारी दीदी सोएगी ना। अपने जीजा की ये बात सुनते ही वो अपनी बहन को बुला लेता है और रोते हुए सोनी से बोलता है, देखो ना दीदी, जीजू मुझे अपने साथ सोने नहीं दे रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको मेरे भाई से? अगर आपको मेरा भाई अच्छा नहीं लगता तो बोल क्यों नहीं देते, हमेशा उसे घर से निकालने के बारे में ही सोचते रहते हो, और मेरा प्यारा भाई वो सारा दिन बस जीजू जीजू करता है। अरे यार, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस, तो मैं आपके पास सो जाऊं? इतना बोलकर मोंटू अपने दोनों हाथ पैर फैलाकर वहां सो जाता है और ईशान को मजबूरन उसी के साथ सोना पड़ता है, और ईशान बार बार अपने बगल में देखकर बस यही सोच रहा होता है कि आखिर उसका साला अपने घर वापस कब लौटेगा। ऐसे ही अगले दिन ईशान नहाने के लिए जब बाथरूम में जाता है तो वो देखता है कि बाथटब के अंदर पहले से ही मोंटू बैठा हुआ है। उसे देखकर ईशान उससे बोलता है, अरे साले साहब, आप मेरे बाथरूम में? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप जल्दी से नहाकर बाहर निकलाओ, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ जीजा जी, बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। आफत साला, आपने कुछ कहा जीजा जी? नहीं नहीं साले साहब, कुछ नहीं, आप नहाइए ना, आराम से नहाइए। इतना बोलकर ईशान बाहर आ जाता है और 1 घंटे से भी ज्यादा समय बीत जाता है, लेकिन मोंटू बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलता, और आखिर में ईशान
गुस्से में बिना किसी को भी कुछ बोले दूसरे बाथरूम में नहा धोकर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मोंटू के आने के बाद मानो ईशान के घर में आफत ही आ गई हो। ऐसे ही एक दिन ईशान मूवी की टिकट बुक करके घर जाते ही सोनी को गले लगाकर उससे बोलता है, जान जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने हम दोनों के लिए मूवी की टिकट बुक की है, बहुत दिन हो गए हैं हम दोनों कहीं बाहर ही नहीं गए। तभी वहाँ पर मोंटू आ जाता है और फिर उससे कहता है, जीजू आप आ गए, जहाँ मेरे जीजू वहीं उनका मोंटू साला। जीजू आप और दीदी मूवी देखने जा रहे हो, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा ताकि आप दोनों को बुरा ना लगे कि मोंटू हमारे साथ नहीं आया। चलिए जीजू मैं तैयार हूँ जाने के लिए। अरे साले हमें कोई बुरा नहीं लगेगा अगर आप नहीं जाओगे तो, और देखो ना आपके लिए तो मूवी की टिकट ही नहीं मिली है तो आप कैसे जाओगे, इसलिए आप आज घर पर ही आराम कर लो, हम दोनों मूवी देख कर आते हैं। दीदी जीजू को बोलो ना कि वो मुझे अपने साथ मूवी देखने लेके चलें, और आज पूरा एक दिन हो गया है जीजू मुझे कहीं लेकर भी नहीं गए। क्यों आप मेरे भाई को हमारे साथ मूवी देखने क्यों नहीं ले जा रहे? मुझे पता है आपको मेरा भाई पसंद नहीं है, आप इसीलिए ये सब कर रहे हैं ना, ताकि वो यहाँ से चला जाए। हाँ नहीं पसंद मुझे तेरा ये सांड जैसा भाई, आफत बन चुका है, जाता ही नहीं है यहाँ से। अरे अब तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई बहन यहाँ से चले जाओ बस। मन ही मन खुद से बात करके ईशान सोचने लगता है कि वो अपने साले से इतना ज्यादा परेशान हो चुका है, तो गुस्से में उसका बैग उठाकर वो अपने घर से बाहर फेंक देता है और उसको अपने घर से निकाल कर अपनी आफत को एक बार फिर खुद से दूर कर देता है। पर तभी उसके फोन की बेल बजती है और उसका ये सपना टूट जाता है। जैसे ही अपना फोन देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सास का फोन आया है। वो फोन अपने हाथों से सोनी के हाथों में पकड़ा कर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और कुछ ही देर के बाद सोनी उसके पास आती है और मोंटू का बैग पैक करते हुए कहती है, ये लड़का बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, इसके कॉलेज खुले आज 3 दिन हो गए हैं और इसने हम में से किसी को कुछ बताया भी नहीं। क्या सच में? मेरा मतलब है मोंटू को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसे तुम्हें पता कैसे चला ये? भूल गए आप, अभी माँ का फोन आया था, उन्हीं ने बताया कि मोंटू का कॉलेज खुल रहा है, उनके पास कॉलेज वालों की तरफ से फोन आया था, इसको ना कल टाइम पर छोड़ाना आप रेलवे स्टेशन। ये खबर सुनते ही ईशान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो अगले दिन समय से पहले ही उठकर मोंटू को उसके हॉस्टल छोड़ आता है, साथ ही घर आकर वापस चैन की सांस लेता है और एक बार फिर खुशी से अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।